अरे बस 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 जिंदगी है, जिंदगी के अपने यू नो अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी खूबसूरतियाँ होती हैं, अपने यू नो चेरिश करने वाले मोमेंट्स होते हैं। मैंने इसीलिए किया ताकि आप ये सवाल पूछ सकें, क्योंकि हार्ड हिटिंग फिल्में हमेशा करना आपको आप नहीं करना चाहते हैं, आपको आप रोमांटिक फिल्म ही करना चाहते हैं। मैं करना चाहता था रोमांटिक फिल्म, मैं कॉमेडी भी करना चाहता था, और मैं सही स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था कब मुझे सही स्क्रिप्ट मिलेगी। एंड आई थिंक ये जब फिल्म आई तो मुझे लगा कि इसमें दोनों है, इसमें रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है, तो यू नो एक फिल्म में मेरी दोनों इच्छाएँ पूरी हो गई, और मैं और करना चाहता हूँ रोमांटिक फिल्म में। बट स्क्रिप्ट जो है मुझे पसंद आनी चाहिए। आई एम होपलेसली रोमांटिक, आई एम नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, आई एम फुलिशली रोमांटिक एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट आई कैन से। क्योंकि उनको लगने लगा है कि चॉकलेटी हो गया हूँ मैं, मुझे पता नहीं क्यों किया है, आई थिंक क्योंकि कहानियों का स्वरूप बदल रहा है, जो हमारी हिंदी सिनेमा है अब वो हिंदी सिनेमा बदल रहा है, उसकी कमर्शियल डेफिनेशंस बदल रही हैं, और हमेशा से जो है कई एक्टर्स आए हैं जिनको के पहले कन्वेंशनल नहीं माना गया, फिर धीरे धीरे ऑडियंस से जब उनका कनेक्शन हुआ तो उनको हर आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो जो राजेश खन्ना हो या मिथुन चक्रवर्ती हो, नसीरुद्दीन शाह हो, अमिताभ बच्चन हो, यू नो दिलीप कुमार हो, कई बार शुरू में जो है वो कुछ जब आदमी अपनी कुछ स्ट्रांग कुछ चीज़ नोशन लेके आता है तो एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसका अपनी पर्सनालिटी किस तरह से इंटरेक्ट करती है ऑडियंस के साथ वो डिसाइड करती है कि ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें पसंद आती हैं ऑडियंस को, हो सकता है मेरा कुछ कनेक्शन होता है ऑडियंस से जो यू नो जो मुझे एक्सेप्टेबल बना रहा है। बहुत बढ़िया, आई थिंक मेमोरेबल केमिस्ट्री है, मैं चाहूँगा कि फिर कभी मौका मिले, और ये खासतौर से इस तरह की राइटिंग में हमें कर रहे हो, टिपिकल अगर वो स्टीरियोटाइप फिल्म में अगर हमें करते शायद साथ तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। इस फिल्म में जो है दोनों
क्योंकि वो भी किरदार कर रहे हैं, वो भी एक कैरेक्टर कर रहे हैं, और इस फिल्म में आप बच्चन साहब को बिल्कुल नए रूप में देखेंगे। बच्चन साहब ने जिस तरह से अपने आप को मोल्ड किया है वो बहुत एंडियरिंग है, बहुत एडमायरेबल है। मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो इस तरह की प्रमाइस में जहाँ के दो लोग, दो एक्टर, तीन एक्टर, चार एक्टर जो हैं वो स्टोरी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमेशा इंजॉयफुल होता है, और उसमें एक्टर्स का इंटरेक्शन जो है मेमोरेबल होता है। और खासतौर से बच्चन साहब, उनको सिर्फ काम करते हुए देखना अपने आप में एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं अपने काम को लेकर, और जिस इंटेंसिटी से, जिस शिद्दत से, जिस आज्ञाकारिता से वो काम करते हैं, वो अपने आप में इंस्पिरेशनल है। It was just a situation. I was helpless. You know, I couldn't move the schedule. They had fixed schedule and Piku had fixed schedule. I wanted to do both the films. I loved my character in Martian. I never wanted to leave it. This is my second time, second chance working with Ridley Scott. But again, even, you know, second chance, I missed that chance. But I'm pretty sure that something good will come out of it. Something good is going to happen. Whatever was the reason, maybe I'll work with Ridley Scott in another film. Captain, कौन? क्या आप बॉलीवुड में बहुत नाम बना चुके हैं, आप इंडियन एक्टर्स हॉलीवुड फिल्म में करते हैं, हॉलीवुड जो विधु विनोद चोपड़ा सर ने बनाई है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट की ब्रोकन हॉर्सेस, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया टाइप फिल्में हो रही है, क्योंकि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अमेरिकन एक्टर्स और अमेरिकन फिल्में बना रहे हैं, तो क्या हो रही है, सवाल क्या है? मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए एक तरह से इसका, जैसे विधु सर ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन को वो जोरों से कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, इंडियन टैलेंट को जरूर जो है इनकॉर्पोरेट करेगी हॉलीवुड इंडस्ट्री, और वो लोग बहुत आतुर होते हैं किसी भी टैलेंट को अपनी चीज में इंक्लूड करने में, और वो अलर्ट भी हैं बहुत, इसीलिए शायद जो है उनको वहाँ अलग अलग मुल्क के देशों को, देश के एक्टर्स को, आर्टिस्ट को और टेक्नीशियंस को वहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये मतलब आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के भी लोग जाएंगे वहाँ ज़रूर और वहाँ काम करेंगे। एज ए फिल्म मेकर आई विश यू नो विधु साहब कैन कंटिन्यू मेकिंग फिल्म्स देयर एंड यू नो मेक सम मार्क इन हॉलीवुड सिनेमा, एंड आई विश हिम लक बिकॉज आई थिंक ही मेड अ गुड फिल्म, द अर्लियर फिल्म विच ही मेड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फिल्म? ब्रोकन हॉर्सेस, यू नो, इट्स आई मेट द एक्टर्स ऑफ दैट फिल्म एंड दे वर रियली रेविंग अबाउट द विनोद चोपड़ा। प्रोड्यूस में कर रहा हूँ, मैंने मदारी फिल्म है एक जो निशिकांत के साथ है उसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक काश फिल्म है जो काश फिल्म एक और है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है शैलेश के साथ। तो कुछ फिल्में जिनको मुझे लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है ऑडियंस को एंटरटेन करने का, और इसमें कुछ फ्रेशनेस है, इसमें कुछ नयापन है, ये कुछ यू नो कुछ देगी ऑडियंस को नया, तो मैं और मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। Hollywood, would you say Hollywood is a bigger playground when it comes to variety of roles? Are you also afraid of being typecast? It's a very interesting question, you know, and what you said is true, that it's a bigger playground. And it's not just a bigger playground, it is a bigger playground, but it gives you a chance to work on your craft in much more fine manner. You know, it gives you a chance to act in a much more in you know personal way, you know, it's a very personal way, you know, and it requires you to dive deep inside the story. That kind of opportunities sometimes you don't get everywhere, so I think it's those opportunities, you know, I'm looking for those opportunities where they can stretch me as an actor, you know, where they can challenge me as an actor, and I can evolve, you know, as an actor, and you know, and it gives me a chance to work with directors who are world class, you know, and they throw different kind of challenges in front of you,
when you are dealing with their stories, you know, when they have conceived a character in a certain way, and you conceive a character in a certain way, and then how you, you know, how you interact and how you collaborate, it's a completely different experience. I do enjoy. I don't drive in cities because cities are not doesn't have infrastructure of driving. In cities you want somebody else to drive you. But as you go out of city, I love driving. And Piku likes my driving, by the way. Piku loves my driving. मैं तलवार है जो मेघना ने डायरेक्ट की है, विशाल साहब ने उसको प्रोड्यूस किया है, मदारी है जो शैलेश ने और मैंने प्रोड्यूस की है, निशिकांत ने डायरेक्ट की है, जज्बा है जो संजय गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं, जी और दूसरी कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है, वाइट ब्रदर्स, जुरासिक पार्क आने वाली है एंड देन इन्फर्नो है, फिर उसके बाद जो है तिग्मांशु के साथ एक फिल्म मेरी पाइपलाइन में है, अनुराग बसु के साथ है, अभिनय देव के साथ है, तो कौन सी फिल्म मटेरियलाइज होगी आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर. Please let that help which is given to Nepal people, please let it reach common man. Please let it reach the victims. Thank you. सर इधर देखे ना.